थाना गोवर्धन के चौकी राधा कुंड के कुंड में फिर 25 वर्षीय करीब अज्ञात युवक का तैरता हुआ शव मिला है। कुंड में शव की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। वहीं कुंड में युवक के शव की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को बाहर निकालकर उसको कब्जे में ले लिया और उसकी शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन मृतक युवक की अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मथुरा के थाना गोवर्धन के क्षेत्र राधाकुंड में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें एक कुंड के घाट से दूसरी तरफ पार करके जाना पड़ता है। जो सबसे पहले जीतता है उसको गांव के लोगों द्वारा इनाम दिया जाता है। ये तैराकी प्रतियोगिता की परंपरा काफी वर्षों से चली आ रही है। इस प्रतियोगिता में सभी लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। वहीं स्थानीय व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि वे उनके बुजुर्गों द्वारा करीब 150 वर्ष से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। क्या नाम है आपका? मुरारी लाल गोस्वामी। ये जो तैराक प्रतियोगिता है की जा रही है, किस उपलक्ष्य में की जा रही है? ये हमारे बुजुर्ग लोग जो है, आगे जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, और हमारे बुजुर्गों द्वारा करीब 150 वर्ष पुरानी चली आ रही है, जो हमें धरोहर में मिली है, जिससे हम लोग बरकरार आगे चलाते चले आ रहे हैं।